हेलो गाइस, दिस इज दीपक सिंह एंड यू आर वेलकम इन माय चैनल सिंगटेक। सो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हो। गाइस, यस, आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमसे हमारी विंडो करप्ट हो जाती है। कुछ विंडोज़ की जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है, बूट के लिए जो इंपॉर्टेंट होती है, वो फाइलें मिस हो जाती हैं। तो उन फाइलों का मिस होने के कारण क्या हो जाता है, हमारी जो विंडो होती है बिल्कुल करप्ट हो जाती है। और उसे रिकवरी करने के लिए भी हमें एक बूटेबल पेन ड्राइव की ज़रूरत होती है, चाहे वो रिकवरी करने के लिए हो, चाहे वो न्यू वैसे उसे इंस्टॉल करने का। वो दोनों केस में हमें चाहिए होती है एक बूटेबल पेन ड्राइव या एक बर्न सीडी। सो गाइज, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, आज के टाइम में सीडीज़ कोई यूज नहीं करता, हर कोई यूज करता है एक बूटेबल पेन ड्राइव, क्योंकि वो हर किसी के पास अवेलेबल है। तो आप एक पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बना सकते हो, सो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज, इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पावर आईएसओ। तो आपको उसको कैसे करके डाउनलोड करना है, मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले चलना है अपने गूगल में और यहाँ सर्च करना है पावर आईएसओ डाउनलोड। पावर आईएसओ डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा देगा, ये फर्स्ट इस पर क्रिएट बर्न माउंट एडिट कंप्रेस। तो आपने इस पर फर्स्ट लिंक पे यहाँ पे क्लिक करना है। ये करने के बाद आपके यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि कौन सा आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है, 32 बिट या 64 बिट। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप मेरा 64 बिट का है, तो मैंने ये यहाँ पे डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड करने के बाद आप इजीली से इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा। सो इंस्टॉल होने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार से इसका आइकन दिखाई देगा। यहाँ पे अभी मैं आपको इसका, तो ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे आइकन दिखाई देगा पावर आईएसओ का। इसके बाद आपको सिंपल ये करना है, यहाँ पे स्टार्ट पावर आईएसओ को आपको यहाँ पे इंस्टार्ट करना है। इंस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ये कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे कुछ टाइम देगा। यहाँ पे आपको कंटिन्यू अनरजिस्टर करना है, आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं। अगर रजिस्टर करोगे तो उसके लिए मे बी ये चार्जेस ले ले, तो आपको यहाँ पे अनरजिस्टर करना है इसको। वैसे इसे आपको कंटिन्यू करना है। इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है, हमें अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है। उसके लिए क्या करना है, मैं आपको दिखा दूँ। मेरी इस पे पेन ड्राइव अटैच हो चुकी है, ये मेरी पेन ड्राइव है, रिमूवेबल डिस्क एच, ये मेरी पेन ड्राइव है। तो मुझे इसे सेलेक्ट करना है यहाँ से। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है टूल का, टूल पे क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन होगा क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव। तो मुझे क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं ओके कर लूँगा। ओके करने के बाद इसे यस कर लूँगा। यस करने के बाद पहले गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ गाइस, कि यहाँ पे जैसे तुम बोटेबल पेन ड्राइव को जैसे सेलेक्ट करने के लिए आप वहाँ से वो ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, ये ऑटोमेटिकली जो आपकी फ्लैश ड्राइव होगी उसे डिटेक्ट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे जो हमारी जो सन डिस्क कर्जबलेट की जो हमारे जो फ्लैश डिस्क वो है, ये इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर दिया। तो जो आपके एक्सटर्नल जो स्टोरेज होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे इमेज चाहिए हमें कि वो इमेज कौन सी है जो आपको यहाँ पे बूटेबल बनानी है। तो इमेज में आपकी आती है विंडो 7, विंडो 8, विंडो एक्सपी, विंडो 10। तो कौन सी आपकी इमेज, तो यहाँ पे मेरे पास अभी विंडो 10 है। तो मैं यहाँ पे इसमें जाके अपनी जो मेरे ई ड्राइव के अंदर मेरे पास यहाँ पे ये विंडो 10 की एक इमेज पड़ी हुई है। तो मैं इस इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसे सेलेक्ट करने के बाद मैं सिंपल इसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये विंडो 10 इंटरप्राइज एडिशन यहाँ पे आ चुका है। ये आने के बाद अब सिंपल मुझे यहाँ पे करना है स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद गाइस, ये यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑल डेटा इन यूएसबी ड्राइव विल बी ओवर रिटन, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना भी डेटा इसके अंदर होगा वो सारा का सारा फॉर्मेट हो जाएगा, और जो बूटेबल के लिए जो फाइलें रिक्वायर्ड होती हैं वो इसके ऊपर से ओवरराइट हो जाएंगी। तो मैं इसे यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद गाइस, यहाँ पे बूटेबल का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी यहाँ पे स्टार्ट 6, 8, 9, 10, तो इस प्रकार से ये स्टार्ट, तो ये पूरा 100 यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो ये उसके बाद सारे के सारे जो बूटेबल के लिए जो फाइल रिक्वायर्ड होती है वो सब यहाँ पे लोड कर लेगा। तो मैं तब तक के लिए अपनी स्क्रीन को पॉज कर लेता हूँ और फिर मैं आपके पास दोबारा लौट के आता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसने पूरी की पूरी जो फाइल है यहाँ पे ये लोड कर दी है। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी फाइल, यहाँ पे जितनी भी जो बूट के लिए जो फाइलें रिक्वायर होती है वो सारे के सारे उस पेन ड्राइव में आ चुकी हैं। तो मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ इसे। ओके करने के बाद यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर लेता हूँ, इसको क्लोज, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ गाइस क्लोज। सो मैं इसे यहाँ से कर लेता हूँ क्लोज, और अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी पेन ड्राइव। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये मेरी पेन ड्राइव है और इस पे ये विंडो का साइन दिख रहा होगा आपको। तो मैं ये खोल देता हूँ। यहाँ पे ये बूट से रिलेटेड सारी की सारी फाइलें यहाँ पे हैं, जो ऑटो रन फाइल है, जो सेटअप है, जो बूट से रिलेटेड जो फाइल है, सारे सारे इसके अंदर है। अब ये पेन ड्राइव कम्प्लीटली बूटेबल है। अब जो दूसरा जो वीडियो बनेगी मेरी, वो
इस पे बनाऊंगा कि मैं हम किस प्रकार से इस बूटेबल पेन ड्राइव से अपनी विंडो को अपने जो कंप्यूटर को उसे बूट कर सकते हो, उसमें वो विंडो इंस्टॉल कर सकते हो। सो गाइस ये वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो ऑल्सो। थैंक यू सो मच।